आज का हमारा सेशन हिंदी में होगा और हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिस बीमारी के बारे में, बहुत ही कॉमन डिसीज है जो, और जो भी क्लिनिशियन है अक्सर उनको इस बीमारी का इलाज बार बार करना पड़ता है, और इस बीमारी का नाम है जिसे जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, इसे हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। बहुत ही कॉमन बीमारी है ट्रिगर फिंगर। आप लोगों में से कई ने ये बीमारी का नाम सुना होगा, ट्रिगर फिंगर। क्या आपने इसका नाम सुना है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज ट्रिगर फिंगर? नहीं जानते है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मेरा वीडियो दिख रहा है क्लियर? देखिए, ट्रिगर फिंगर का मतलब क्या है, समझिए कि हमने अपनी उंगली को, हम जब खोलना चाहते हैं, जैसे हमने अपनी उंगलियों को मोड़ा, अब उंगलियों को जब खोलना चाहते हैं तो कोई कोई उंगली अटक जाती है रास्ते में ही, खुलती नहीं है और बड़ा पेन करती है, बहुत पेन क्रिएट करती है, उसे हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। जब पेशेंट उस उंगली को खोलना चाहता तो ऐसे खींच के खोलता है, ऐसे बड़ी मुश्किल में उंगली खुलती है। तो ट्रिगर फिंगर का मतलब क्या है, हम समझ लेते हैं। चलिए, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या, हम समझ लेते हैं एक बार। हमारी ये जो उंगलियां हैं, हमारी ये जो उंगलियां हैं, हमने मोड़ी और खोलते समय अटक गई, बड़ा दर्द करती है। किसी का अंगूठा अटक जाता है, किसी की उंगली अटक जाती है इंडेक्स फिंगर, किसी की मिडिल फिंगर अटक जाती है, किसी की रिंग फिंगर और किसी की स्मॉल फिंगर अटक जाती है, खुलती नहीं है, और पेशेंट ऐसे खोलता है, आ, 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 आ। तो अगर आप इन उंगलियों को देखें तो हमारी उंगलियों को संभाले रखने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये हमारी उंगलियां हैं। तो हमारी हथेली में कुल 5 उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, and 5। लेकिन हमारी उंगलियों की हड्डियों को आपस में बांधे रखने के लिए, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधे रखने के लिए बीच में मजबूत कड़क रस्सियां हैं जिन्हें हम टेंडन कहते हैं, टेंडन। तो अगर आप इस उंगलियों में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो रस्सियां हैं लंबी लंबी, ये इनको हम कहते हैं टेंडन। ये टेंडन देखिए कितने लंबे लंबे टेंडन्स हैं, और ये टेंडन क्या करते हैं आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को एक दूसरे से बांध के रखते हैं, कनेक्ट करते हैं।
लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति एक ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज करता रहे, जैसे मान लो कोई टाइप टाइप रिकॉर्डिंग, पहले लोग बहुत टाइपिंग करते थे, लेकिन चलो टाइपिंग की बात छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है, एक ही उंगली बार बार यूज करता है, तो उसके वो टेंडन की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, टेंडन मोटा हो जाता है। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा ये एक टेंडन है, ये एक टेंडन है, और इस टेंडन का काम है इधर की बोन को इधर की बोन से मजबूती से या किसी भी स्ट्रक्चर से, बोन से हो या मसल से हो, यानी दो स्ट्रक्चर को आपस में पकड़ के बांध के रखना, यह टेंडन का काम है। और टेंडन खुद एक कवरिंग के अंदर बंद होता है, टेंडन खुद ब खुद एक कवरिंग के अंदर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीथ। और इसके अंदर टेंडन को थोड़ा मूवमेंट करने के लिए जगह मिलती है। लेकिन पर्टिकुलर हम एक ही एक्सरसाइज करते रहें, जैसे हम जिम जाते हैं और एक ही एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी एक मसल मोटी हो जाती है, मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब सपोज करिए ये टेंडन फूल गया, इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई, ये मोटा हो गया। अब इसको मूव करने के लिए जगह नहीं है, स्पेस की कमी हो गई। अब मूव नहीं कर सकता, तो जब ऐसी घटना घटती है, जब किसी सीट के अंदर टेंडन्स की मूवमेंट को करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो जब टेंडन, मुझे अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ना है, तो मैं ऐसे ही तो मोड़ूंगा, लेकिन अब टेंडन को मूवमेंट करने की जगह ही नहीं है, तो मेरी उंगली मुड़ेगी नहीं। तो जब हम उंगली को मोड़ते हैं, इसे कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का अर्थ है कि हमने अपनी उंगलियों को मोड़ा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मोड़ा, उंगलियों को मोड़ना, उंगलियों को आगे की ओर मोड़ना। और जब उंगलियों को खोलते हैं, उंगलियों को खोलना वापस, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब उंगलियों को खोलना। तो चाहे फ्लेक्शन करना हो, चाहे एक्सटेंशन करना हो, ये वो टेंडन की मदद से ही कर पाते हैं हम। अगर टेंडन हमको वो फ्री मूवमेंट ना देते, तो हमारे लिए ऐसा कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट था, लेकिन हम आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि टेंडन्स एक मसल को दूसरी मसल से और एक बोन को दूसरी बोन से बांध कर पकड़ कर रखे हुए हैं। तो जब कोई व्यक्ति के टेंडन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, टेंडन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो जब भी किसी व्यक्ति के टेंडन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और फ्लेक्शन ना कर पाए, उंगलियों को ना मोड़ पाए और एक्सटेंशन भी ना कर पाए, उंगलियों को फैला ना पाए, भले ही ये टेम्परेरी हो, कभी ना हो, यानी इसी को हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर,
तो इसका नाम है ट्रिगर फिंगर, कि उंगलियों को मोड़ने में और खोलने में कठिनाई, और इसी का दूसरा नाम है स्नैप फिंगर्स। और जब उंगलियों को खोलते या बंद करते हैं तो कड़क से आवाज आती है जिसे हम कहते हैं क्लिकिंग साउंड। क्लिकिंग साउंड आता है जब उंगलियों को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, क्लिक कड़कड़ कड़कड़ क्लिकिंग साउंड आता है, और उंगलियां लॉक हो जाती हैं, ऐसे फिंगर बेंट हो जाती हैं और फिंगर लॉक्ड हो जाती हैं, जॉइंट फिंगर जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। एक्चुअली जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग शायद अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते उनके पास ऐसे केस नहीं आए होंगे। लेकिन जब आप क्लिनिक खोल के बैठते हैं और ऐसे केस आते ही हैं और समझ में नहीं आएगा फिर आपको कि आके इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि देखने में लगता है कि इंडेक्स फिंगर ही तो नहीं खुलती है, लेकिन ठीक कैसे करोगे बात ये आती है, उसका कैसे डायग्नोसिस करोगे, कैसे ठीक करोगे। कोई फिंगर में प्रॉब्लम थोड़ी है, फिंगर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, फिंगर को हथेली से कनेक्ट करने वाला जो टेंडन है वो बिगड़ गया है, उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है, वो जो सीत में है उस सीत में उसको मूवमेंट करने की जगह नहीं मिल रही है, तो इससे पेन होता है, टेंडरनेस होती है, इससे वहां पर रेडनेस हो जाती है, अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है और फिंगर लॉक हो जाती है, खुलती नहीं है। व्यक्ति को नानी याद आ जाती है फिंगर खोलने में। अभी आपकी उंगलियां अच्छी तरह खुलती बंद होती है तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन जिसको ट्रिगर फिंगर होता है ना उसकी उंगली खोलने में उसको नानी याद आ जाती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी उंगली अटक गई, रिंग फिंगर ला, मैंने कहा मैं ओपन कर दे, नहीं 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 वेट वेट वेट, उसने बड़ी मेहनत करके धीरे 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 इस उंगली को खोला, 5-7 मिनट 10 मिनट लिए उसने, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। रीजन यही है कि जब कोई व्यक्ति लगातार किसी विशेष फिंगर को यूज करता है, जब कोई व्यक्ति लगातार किसी विशेष फिंगर को यूज करता है तब उसे ट्रिगर फिंगर होता है। विद अ कंटिन्यूअस यूज एंड रेगुलर यूज एंड मोर यूज ऑफ स्पेसिफिक फिंगर तो उसके टेंडन की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, टेंडन मोटा हो जाता है, टेंडन की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उस व्यक्ति को ट्रिगर फिंगर हो जाता है। हालांकि जो लोग रिमेटेड आर्थराइटिस के शिकार हैं उनके जॉइंट्स में भी सूजन होने से टेंडन को जगह नहीं मिलती, और भी कई पेशेंट हो सकते हैं जैसे डायबिटीज के लोग, और कई बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल पर्सन को भी ट्रिगर फिंगर हमने होते हुए देखा है, नॉर्मल पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं उसको भी ट्रिगर फिंगर हो सकता है। तो चलिए अब हम बात आते हैं कि आखिर इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। इसको ट्रिगर फिंगर को हम कहते हैं टेनो साइनोवाइटिस, ये इसका नाम है, यानी टेंडन से कनेक्टेड है और जिस सीथ में टेंडन रहता है वहां का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं टेनोसाइनोवाइटिस। अब हम डायरेक्ट आते हैं, आखिर क्या करो ताकि फिंगर खुल जाए। तो हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन, हम क्या करें और ये ठीक हो जाए। तो सबसे पहले समझिए कि किसी भी चीज को
बंद करना यिन है और खोलना यांग है। जब हम उंगलियों को क्लोज करते हैं यह यिन है और जब उंगलियों को हम ओपन करते हैं यह यांग है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा ट्रिगर फिंगर वाले पेशेंट की। उसकी उंगलियां उसके टेंडन कैसे हो जाते हैं एक बार मैं आई वॉन्ट टू शो यू वन इमेज काइंडली वेट। या लुक एट दिस इमेज। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में वन मिनट ये देखिए इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये तो उंगली है और उंगलियों को कनेक्ट करने के लिए लंबी लंबी रस्सियां हैं जिन्हें हम टेंडन कहते हैं। टेंडन ये हर एक उंगली के अंदर है और इसी टेंडन के कारण उंगलियां हमारी हमारी हथेली से मजबूती से जुड़ी रहती हैं और ये टेंडन एक कवरिंग के अंदर बंद होता है। इसे हम कहते हैं सीथ। जैसे सांप कैचुले के अंदर बंद होता है जैसे कि कोई भी चीज एक कवरिंग के अंदर बंद होती है ऐसे ही ये टेंडन एक सीथ के अंदर बंद होता है जिसे हम कहते हैं द सीथ ऑफ टेंडन। अब इस सीथ में टेंडन फ्री मूवमेंट कर सकता है लेकिन अगर टेंडन मोटा हो गया और हम जानते हैं कि जब पर्टिकुलर एक उंगली की एक्सरसाइज ज्यादा होगी तो टेंडन मोटा हो जाएगा तो बाद में उसको मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलती तो उंगली अकड़ जाती है या मुड़ी रह जाती है खुलने में बड़ी तकलीफ आती है। इसी को हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। कभी कभी क्या होता है कि इसमें गांठ भी बन जाती है जैसे कि आप इसी इमेज में इधर देखिए यहां पर एक छोटी सी गांठ दिख रही है नोड्यूल तो भी दर्द होता है। तो कुल मिलाके टेंडन में होने वाली तकलीफ को ही हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। अब इसके हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट को समझने के पहले हम दो बातें समझते हैं। नंबर वन हम इसी उंगली में देख लेते हैं कि हमें उंगलियों को खोलना है ओपन करना है तो यांग बढ़ाना होगा क्योंकि मुड़ना यिन है और खुलना यांग है। एक्सपेंशन यांग है कॉन्ट्रैक्शन यिन है और ट्रिगर फिंगर में ज्यादा प्रभाव होता है यिन का। ट्रिगर फिंगर में यिन बढ़ जाता है यिन एक्सेसिव हो जाता है इसीलिए उंगलियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और टेंडन भी कड़क हो जाता है स्टिफ हो जाता है। हमें बढ़ाना होगा यांग। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा यांग बिंदु है उसे हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 20। अब गवर्निंग वेसल 20 को लगाकर चाहे वो ट्रिगर फिंगर की उंगलियों को खोलना हो चाहे कोई व्यक्ति को लकवा हो गया हो और उसकी उंगली ऐसे मुड़ गई हो उन मुड़ी हुई उंगलियों को खोलना हो। अगर मुड़ी हुई उंगलियों को आप खोलना चाहते हैं तो आपको यांग बढ़ाना होगा। आप गवर्निंग वेसल 20 पर या तो निडल लगाइए या मैग्नेट लगाइए सुजोग में या फिर यहां पर मोक्षा करिए। तो चाहे तो आप इस पर मोक्षा करें। हमें बढ़ाना यांग
अब बात आती है कि गवर्निंग वेसल 20 पर क्यों करना है मोक्सा, इससे क्या फायदा मिलेगा? हमारे शरीर में 6 यांग मेरिडियन पाए जाते हैं और 6 के 6 मेरिडियन गवर्निंग वेसल 20 पर आकर मिलते हैं। तो गवर्निंग वेसल 20 को मीटिंग पॉइंट कहा जाता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द यांग मेरिडियन, सारे के सारे यांग मेरिडियन का मिलन बिंदु, जंक्शन पॉइंट। तो जब हमने गवर्निंग वेसल 20 को अगर टोनिफाई किया, हमने एक झटके में पूरे 6 के 6 यांग मेरिडियन को, हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी के सभी यांग मेरिडियन को टोनिफाई कर दिया। तो हमें ट्रिगर फिंगर में सबसे पहले तो यांग को टॉनिफाई करना है ताकि उंगलियां खुलें। अब चाहे किसी व्यक्ति को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया है और उसकी उंगली सिकुड़ गई है, खुल नहीं रही है, उनको खुलना, तो भी आपको यांग बढ़ाना होगा। यांग का मतलब है ओपनिंग, ओपन द फिंगर्स। तो पहला बिंदु हमारा होगा गवर्निंग वेसल 20 पर हम टॉनिफिकेशन करेंगे ताकि यांग इंप्रूव हो। अब हम बात करते हैं अगली बिंदु की। हमारा अगला बिंदु है हमारा फॉर्मूला है टाड़ी, TADI। तो टी का मतलब तो हो गया DU20, ए का मतलब हो गया एनल्जेसिक पॉइंट या पेन किलर पॉइंट, एनल्जेसिक पॉइंट या वो बिंदु जो दर्द को दूर करे, दर्द निवारक बिंदु। हमारा होगा LI4, लार्ज इंटेस्टाइन 4। अब बात यह आती है कि लार्ज इंटेस्टाइन 4 दर्द को कैसे दूर करता है, क्या क्या रहस्य है? देखिए, हमारे शरीर में टोटल 12+2 मेरिडियन पाए जाते हैं जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक को हम कहते हैं यांग मिंग। और लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक वो चैनल्स हैं जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ची पाई जाती है और जो ची को हाईली मूव करते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा को घुमाना हो इधर से उधर, तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक बहुत शानदार काम करते हैं। तो जैसे हम इसमें भी LI4 जो लार्ज इंटेस्टाइन का यौन सोर्स पॉइंट है, तो जैसे ही हम LI4 को लगाते हैं, ये बहुत तेजी से पूरे शरीर में ऊर्जा को मूव करता है। जैसे तेज आंधी आंधी चले और तेज आंधी चलेगी तो जो कुछ होगा सब बाहर ले जाएगी, ऐसे ही हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज होगा उसको दूर करता हुआ हमारी ऊर्जा को पूरी बॉडी में मूव करना चालू कर देता है और ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देता है LI4। तो जब ब्लॉकेज होता है तभी दर्द होता है। दर्द का मतलब है ब्लॉकेज, दर्द का मतलब है अटकी हुई ऊर्जा। ऊर्जा का जब ठीक से फ्लो नहीं होता तभी दर्द होता है। अगर आपकी चाहे हड्डियों के 8 टुकड़े हो गए हो, फ्रैक्चर हो गया हो, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा न अटके तो आपको दर्द नहीं होगा और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। कोई भी बीमारी और स्पेशली दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जरा सी चोट लगी और ऊर्जा का फ्लो अटक गया। इसीलिए तो हम LI4 लगाकर पेन किलिंग का काम करते हैं, दर्द निवारण का काम करते हैं। तो अगला बिंदु हमारा होगा LI4। तो हमने देखा हमारा फॉर्मूला ताड़ी,
तो पहला बिंदु हुआ DU20, टॉनिफिकेशन। दूसरा बिंदु हुआ LI4, सेडेशन। ये दर्द निवारण का बिंदु है, इसको हम सेडेट करते हैं ताकि दर्द कम हो जाए। अब तीसरा बिंदु आता है जिसे हम कहते हैं डिस्टल पॉइंट। इसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं, देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लेंगे। और चौथा बिंदु आता है आई। आई का अर्थ है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। तो ताड़ी का फॉर्मूला तैयार हो गया, ताड़ी, TADI, ताड़ी। आई का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हमारे शरीर में होते हैं 8, और वो 8 हमारे शरीर की को की सारी बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे शरीर में जो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हैं, उसमें एक है जिसका नाम है गॉलब्लैडर 34। कोई इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हड्डियों को ठीक करता है, कोई ब्लड को अच्छा करता है, कोई ब्लड वेसल्स को अच्छा करता है, कोई इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन गॉलब्लैडर 34 का काम है मसल की प्रॉब्लम को ठीक करना, टेंडन्स की प्रॉब्लम को ठीक करना, लिगामेंट की प्रॉब्लम को ठीक करना। अभी तो हम टेंडन की बात कर रहे हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होगा गॉलब्लैडर 34। यानी जब भी हम टेंडन की का कोई भी इलाज करना चाहते हैं तो हमें गॉलब्लैडर 34 लेना होगा, जो हमारा अगला बिंदु है। तो हमने अभी तक लिया DU20, टॉनिफिकेशन यांग बढ़ाने के लिए, LI4 सेडेशन दर्द को घटाने के लिए, और गॉलब्लैडर 34 टॉनिफिकेशन, ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है हमारा। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट किसका है? टेंडन्स का। LI4 हमारा पेन किलर पॉइंट है, और DU20 हमारा यांग को बढ़ाने का बिंदु है। तो ये हमारे 3 पॉइंट प्रमुख हो गए। अगर हम सुजोग में लगाते हैं तो हम दोनों हाथों में लगाएंगे इन बिंदुओं को। तो ये हमारा हुआ ट्रीटमेंट नंबर 1, ये हमारा ट्रीटमेंट नंबर 1 हुआ। अभी इसमें और ट्रीटमेंट हमें जोड़ना होगा। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट हम ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। जब हम ट्रीटमेंट ऐड करेंगे तब हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट होगा। ये हमारा अंगूठा है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर। अंगूठे में जाता है लंग मेरिडियन, मिडिल फिंगर में जाता है पेरिकार्डियम मेरिडियन, और स्मॉल फिंगर में जाता है हार्ट मेरिडियन। अब चूंकि यिन तो बड़ा हुआ है, यिन ही तो एक्सिस है, तभी तो ये उंगलियों को अपनी ओर खींच रहा है, तो यहां हम सिर्फ यिन की बात कर रहे हैं। तो लंग के लिए हमने, अंगूठे के लिए हमें लंग के यिन को कम करना होगा, हमें लंग को ठीक करना होगा। मिडिल फिंगर के लिए हमें पेरिकार्डियम पर काम करना होगा। मिडिल फिंगर के लिए वी हैव टू वर्क ऑन द पेरिकार्डियम। एंड हार्ट के लिए हमें स्मॉल फिंगर के लिए हमें हार्ट पर काम करना होगा। तो हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कैटेगरी नंबर 1 में हमारा लंग अंगूठा है, अंगूठे को हमने लंग मेरिडियन को जिम्मेदार मान लिया।
कि लंग में जब भी ऊर्जा बढ़ेगी तो अंगूठा अंदर की ओर खिंचेगा, ट्रिगर फिंगर अंगूठे में होगा। तो हम लंग 10 को सेडेट कर देंगे तो अंगूठे की बात ठीक हो जाएगी। अगर इंडेक्स और मिडिल फिंगर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो चूंकि पेरिकार्डियम मेरिडियन हमारा ऐसे जाता है, ऐसे ये पेरिकार्डियम 8 है, इन दोनों के बीच में से जाता है, तो इन दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हम पेरिकार्डियम 8 को सेडेट करेंगे तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यिन को घटाना है। और आखिरी के जो दो फिंगर हैं इन दोनों के बीच में से हार्ट मेरिडियन जाता है, इन दोनों के बीच में, और ये हार्ट 8 है, तो इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि लास्ट के दो फिंगर में, तो हम हार्ट 8 को सेडेट करेंगे तो इन दोनों उंगलियों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बस बन गया प्रोटोकॉल हमारा। अब जिस उंगली में भी प्रॉब्लम है उसका पॉइंट ऐड कर देना है। तो किसी ने कहा कि इसको अंगूठे में तकलीफ है, कि अंगूठा अंगूठे में खुलता नहीं है, थंब में प्रॉब्लम है, थंब प्रॉब्लम। तो आपको DU20 टोनिफिकेशन, LI4 सेडेशन, गॉलब्लैडर 34 टोनिफिकेशन, ये तो हमारा प्राइमरी फॉर्मूला है, प्लस लंग 10 सेडेशन। अब किसी को इंडेक्स फिंगर में प्रॉब्लम है या मिडिल फिंगर में ट्रिगर फिंगर है तो हम लेंगे, पहले तो हमारे पॉइंट कॉमन होंगे DU20 टोनिफिकेशन, LI4 सेडिशन, गॉलब्लैडर 34 टोनिफिकेशन। अब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के लिए हम लेंगे पेरिकार्डियम 8 सेडिशन। अब किसी को लास्ट के दो फिंगर में यानी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर में ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम है, ये उंगलियां खुलती नहीं है किसी भी कारण बस, तो हम DU20 टोनिफिकेशन, LI4 सेडेशन, गवर्निंग बेसल 34 टोनिफिकेशन, प्लस हार्ट 8 सेडेशन, ये कर देंगे, हो गया मामला। तो इतना ही ट्रीटमेंट हम करते हैं और इतना करने मात्र से व्यक्ति ठीक हो जाता है। थंब में भी होता है, थंब में भी होता है, हमने बताया ना, थंब में भी होता है। अब बात है लोकेशन की, तो देखिए अगर हम चाहें मैं आपको लोकेशन बता देता हूं, चलिए, सो आई विल टेल यू द लोकेशन। तो पहले हम बात करते हैं लोकेशन की, अब हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, लुक एट माय हैंड्स 1 मिनट। मेरा हाथ देखिए, काफी ड्राइंग पहले से ही हाथ में, लेकिन आई विल ट्राई। इसमें से ड्रॉअर में से पेन दो, तो देखिए सुजोग में ये DU20 पॉइंट है, DU20 पॉइंट, द टिप ऑफ थंब, इसे हम DU20 पॉइंट कहते हैं, द टिप ऑफ थंब। इसको हम टोनिफिकेशन करेंगे तो ब्यूल मैग्नेट लगा के टोनिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ, तो जब हम टोनिफिकेशन करेंगे तो हमें ऐसे करना होगा कि व्हाइट पार्ट ऑफ द मैग्नेट हमें ऊपर से दिखे। तो ये तो हो गया हमारा DU20
क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? क्या ये पॉइंट दिख रहा है? D20, द टिप ऑफ थंब। तो हम दोनों हाथों में के टिप पर ऐसा मैग्नेट लगाएंगे कि मैग्नेट लगाने के बाद हमें ऊपर से वाइट दिखेगा, सफेद दिखेगा। जब ऊपर से हमें वाइट या सफेद दिखेगा तो इसका अर्थ हो गया टोनिफिकेशन। तो हमने संपूर्ण शरीर के यांग को बढ़ा दिया। अब अगला बिंदु आएगा हमारा सेडिशन का। तो सेडिशन में हम मैग्नेट को इस तरह से लगाते हैं कि जो ब्योल मैग्नेट होती है वो ऊपर से पीली दिखना चाहिए। तो अगर आप मेरी इंडेक्स फिंगर देखो, लुक एट माई इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में आप देख सकते हैं ये जॉइंट है। इस जॉइंट के लेबल पर LI5 होता है क्योंकि ये जॉइंट हमारी कलाई को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा हाथ है, ये कलाई है, ये एल्बो है और ये कंधा है। तो जॉइंट हमारा कलाई को रिप्रेजेंट करता है और कलाई के लेबल पर होता है LI5। तो इससे पहले मिलेगा LI4। तो LI4 पर हम मैग्नेट ऐसे लगाते हैं कि हमें पीला भाग ऊपर से दिखे। तो ये हो गया सेडेशन और ये बहुत अच्छा पेन किलर पॉइंट है, सभी प्रकार के दर्द को दूर करता है। तो ये हमारा अगला हो गया सेडेशन। अब तीसरा बिंदु जो है वह है गॉलब्लैडर 34। अब चूंकि गॉलब्लैडर हमारे पैरों में होता है तो अब हम मिडिल फिंगर में आ जाते हैं क्योंकि मिडिल फिंगर हमारा पैर है। हम जानते हैं सुजो के अनुसार ये आर्म है, ये भी आर्म है और बीच वाले दोनों पैर हैं। तो अब हम गॉलब्लैडर 34 की बात कर रहे हैं। तो गॉलब्लैडर 34 हमारे पैरों में पाया जाता है और गॉलब्लैडर 34 हमारे घुटने के नीचे होता है, घुटने पर नहीं होता। अगर मैं घुटने की बात करूं, ये आप देखिए, ये बीच वाला जॉइंट है, घुटना है, ये बीच वाला जॉइंट है, घुटना है। अगर मैं एक बिल्कुल बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दूं एकदम सेंटर में, तो ये गॉलब्लैडर मेरिडियन है। इसी को हम गॉलब्लैडर मेरिडियन कहते हैं, एकदम सेंटर में पाया जाता है। और जो एकदम बीचों बीच होता है उसका नाम है गॉलब्लैडर 35, क्योंकि 35 नंबर का पॉइंट हमारे घुटने के लेवल पर होता है। और इससे हल्का सा नीचे गए, हल्का नीचे लगभग एक फैन का अर्थ है एक चुन का दसवां भाग, या आप बिल्कुल जरा सा 1 मिलीमीटर नीचे गए तो ये मिलता है हमें गॉलब्लैडर 34। आप बुक्स में इन सब की इमेजेस दी हुई है, वहां भी देख सकते हैं। तो इसे भी हमें टोनिफाई करना है, लाल रंग में यूज कर रहा हूं टोनिफिकेशन के लिए। तो पहला बिंदु था हमारा DU20 टोनिफिकेशन, दूसरा बिंदु था हमारा LI4 सेडेशन, और तीसरा बिंदु है हमारा गॉलब्लैडर 34। आप देख सकते हैं गॉलब्लैडर 34 जॉइंट से हल्का सा 1 मिलीमीटर नीचे बीचों बीच, और ये पॉइंट हम जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसी हाथ में लगाएंगे। अगर राइट हाथ में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड में लगाएंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे कॉमन पॉइंट है, चाहे किसी भी उंगली में तकलीफ होगी ये 3 पॉइंट तो लगने वाले हैं। और आप देखेंगे इन 3 पॉइंट के द्वारा अगर किसी की उंगलियां मुड़ी हुई हैं, खुलती ना हो, अब कारण कोई भी हो, चाहे वो ट्रिगर फिंगर हो या और भी कोई कारण हो, आप इस ट्रीटमेंट के माध्यम से धीरे धीरे करके उसकी उंगलियों को खोल पाएंगे। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें उंगलियां मुड़ जाती हैं, कई बीमारियां ऐसी। अब आपको उंगलियां खोलना हो तो ये 3 बिंदु लगाने होंगे,
पहला थंब के शीर्ष पर DU20, दूसरा इंडेक्स फिंगर में LI4 सेडेशन। तो पहला DU20 टोनिफिकेशन, दूसरा LI4 सेडेशन और तीसरा गॉलब्लैडर 34 टोनिफिकेशन। 3 पॉइंट लग गए। अब देखते हैं कि कौन सी उंगली में तकलीफ है। अब जिस भी उंगली में तकलीफ होगी, माना कि अंगूठे में तकलीफ है, अंगूठा, अंगूठे में ट्रिगर फिंगर अंगूठा तकलीफ दे रहा है, तो अंगूठे के लिए हमारा पॉइंट है लंग 10। तो अब आ जाइए आगे, अब हम लंग मेरिडियन की बात करेंगे। ये तो देखिए सुजोग के चार्ट सारी बुक में रहते हैं, आप चार्ट को देख देख के भी लगा सकते हैं। एक बार आपको पॉइंट पता चल गए तो आप चार्ट को देख देख के भी लगा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको, अब मैं आपको दिखा रहा हूं हमारी इंडेक्स फिंगर में, अगर मैं एक सेंटर में लाइन बना दूं, और एक बिल्कुल यिन यांग जंक्शन पर लाइन बना दूं, यिन यांग जंक्शन साइड में, ये यिन यांग जंक्शन, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन और बन जाएगी इधर। इसी तरह से एक लाइन इधर बन जाएगी। देखिए तो आगे से मुझे 3 लाइन दिख रही है इक्वल डिस्टेंस पर, तो बीच की लाइन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पी। और बाहर की लाइन को बोलते हैं लंग मेरिडियन, और अंदर की लाइन को बोलते हैं हार्ट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन। तो हार्ट अंदर की ओर है, बीच में पेरिकार्डियम है और सबसे बाहर है लंग मेरिडियन। अब हमें लगाना है अगर किसी को अंगूठे में तकलीफ है तो हम लंग मेरिडियन को चुनेंगे, बाहर वाले को। अगर किसी को इंडेक्स और मिडिल फिंगर में तकलीफ है तो हम बीच वाली लाइन को चुनेंगे, और किसी को रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर में तकलीफ है तो हम सबसे अंदर की लाइन को चुनेंगे। अब किसी को अंगूठे में तकलीफ है तो ये ऊपर की लाइन के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट लगा देना है, ये लंग के लिए, ये इसे बोलते हैं लंग 10 सेडेशन। अगर किसी को इंडेक्स और मिडिल फिंगर में तकलीफ है तो हम बीच की लाइन में पॉइंट लगा देंगे, इसके एकदम मध्य में। और किसी को रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर में तकलीफ है तो हम ये आखिरी वाली लाइन चूज कर लेंगे और इसके बीच में एक पॉइंट लगा देंगे, और तीनों में से जो भी पॉइंट की जरूरत हो, करना तो सेडेशन ही है, करेंगे सेडेशन। यानी ऐसी मैग्नेट लगाएंगे, चाहे किसी में भी लगाएं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को माना कि मिडिल फिंगर में तकलीफ होती है, मिडिल फिंगर में, तो इंडेक्स और मिडिल फिंगर के लिए बीच वाली उंगली, तो मैं बीच वाली उंगली के ये बीचों बीच ऐसे मैग्नेट लगाऊंगा कि मुझे ऊपर से पीला दिखे, तो ये सेडेशन हो गया, इसे हम कहते हैं सेडेशन। तो बाहर वाली लाइन अंगूठे के लिए, बीच वाली लाइन इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के लिए, और अंदर वाली लाइन जिसे हम हार्ट मेरिडियन कहते हैं रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के लिए। तो हमें जो भी उंगली का ट्रीटमेंट करना हो उस उंगली का एक पॉइंट लगा देना है, हो गया ट्रीटमेंट। 4 बिंदुओं के द्वारा आप ट्रिगर फिंगर को ठीक कर सकते हैं। पॉइंट लगाकर छोड़ दीजिए 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आप पॉइंट लगाइए। अगर आप एक्यूपंक्चरिस्ट हैं तो आप इन्हीं पॉइंट को बॉडी में भी लगा सकते हैं। अगर आप निडल लगाते हो तो 40 मिनट के लिए बॉडी में निडल लगा सकते हो। अभी हम सिर्फ सुजोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए किस हाथ में लगाना है,
अभी 5 मिनट बाकी है, रुक जाओ, किस हाथ में लगाना है, जिस तरफ तकलीफ है उधर लगाना है। अगर राइट हैंड में तकलीफ है तो राइट हैंड में लगाइए, लेफ्ट हैंड में तकलीफ है तो लेफ्ट हैंड में लगाइए, दोनों में लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में तकलीफ है तो तीन तो कॉमन पॉइंट हो गए, एक अंगूठे के टिप पर D20, एक Li4 और तीसरा गॉलब्लैडर 34, तो तीन उंगलियों में तीन पॉइंट वो कॉमन है। फिर अंगूठे के लिए लंग 10, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के लिए पेरिकार्डियम 8 और रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर के लिए हार्ट 8, दैट्स इट। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा ट्रिगर फिंगर में।